Standard 6. Dear children, in the last video, we just started the practice set 28. And in this video, we are going to continue that. Second sum, ratio proportion lesson ka, practice set 28. 63 and 49. हमें फर्स्ट नंबर से नंबर का रेशियो सेकंड नंबर के साथ चाहिए. दैट मीन्स वी हैव टू राइट द फर्स्ट नंबर फर्स्ट एंड देन सेकंड. रेशियो ऑफ 63 फर्स्ट वाला टू 49. 63 रेशियो के लिए हम डालते हैं सिंबल इज टू. इज टू आई एस इज टी ओ टू इज टू. ओके 63 इज टू 49. 63 इज टू 49 को हम लिख सकते हैं 63 अपॉन 49. और उसके बाद 63 को सेपरेट करना है, मीन्स तोड़ना है, फैक्टराइज करके लिखना है 49 को भी. ये देखना है कि दोनों नंबर कौन से टेबल में मैक्सिमम, कौन सा सबसे बड़ा, कौन सा टेबल में दोनों नंबर आता है. अगर आपको मेंटली कैलकुलेट करने आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, दोनों 7 के टेबल में आता है, 7 9s और 7 7s. पर अगर नहीं आता तो आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है. 63 को भी फैक्टराइज करो, 49 को भी करो. 63 जाता नहीं है 2 के टेबल में क्योंकि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 में से कोई नहीं है. फिर उसके बाद 3 का टेबल के लिए चेक करना है तो आपको ये दोनों डिजिट को प्लस करना है. प्लीज़ ध्यान देना बच्चा, 6 और 3 को आपको प्लस करना है. 6 7 8 9 6 और 3 प्लस किया 9. अब ये 9 3 के टेबल में जाता है कि एक बार चेक करो, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9. तो 63 का दोनों डिजिट को प्लस करने पे आपको मिला 9 और 9 3 के टेबल में जाता है, इसीलिए ये 63 भी 3 के टेबल में जाएगा. तो वी कैन राइट 3 हियर. हमने चेक कर लिया कि ये 3 के टेबल में जाता है या नहीं, तो पता चला 3 के टेबल में जाता है. ओके अभी 3 के टेबल में कब जाता है वो हमें देखना है. 3 के टेबल में पहला डिजिट देखो 6. 3 के टेबल में 6 कब तक आता है, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 हो गया. और उसके बाद अभी नेक्स्ट नंबर को देखना है क्योंकि इधर 3 2 ज़ा 6 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट नंबर है 3. 3 के टेबल में इस 3 कभी आता है, 3 1 ज़ा 3. उसके बाद अभी 21 को फिर आगे करना है. और एक बात का ध्यान देना, अगर हमने फैक्टराइज किया स्टार्ट किया और 2 के टेबल में आ नहीं रहे तो हमने नेक्स्ट टेबल पे आया तो वापस वो नीचे जाने के पूरे स्टेप में 2 अभी आएगा ही नहीं. वंस इट डज नॉट कम देन दैट मीन्स इट नेवर कम्स. सो 21 2 के लिए चेक नहीं करना है, 3 में देखो. यस 3 के टेबल में आता है ना, 3 7 ज़ा 21 और 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 1 ज़ा 7 फिनिश हो गया उसका. अब किसका करना है हमें, 49 का. 49 का भी करो, 49 किसके टेबल में आता है आपको पता है, 2 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 7 में डायरेक्ट जाता है. आप चेक करके देख सकते हैं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 5 में नहीं, डायरेक्ट 7 में. 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, दैट ऑल्सो फिनिश. नाउ आपको क्या करना है, अभी आपको दोनों में जो सेम आया उसको गोल करना है. ये 7 इधर भी है, इधर भी है, बस और कोई सेम नहीं आया. तो 7 ओके हम यहाँ पर लिखेंगे, ये जो 63 के बदले हम लिख रहा है 7, पहले जो कॉमन आया मतलब सर्कल किया 7 इंटू, बाकी दोनों इंटू करो, 3 3 ज़ा 9, 7 इंटू 9. और यहाँ पर भी जो गोल में है वो नीचे 49 के लिए 7 इंटू, बाकी इसमें क्या बचा 7. ओके एंड दिस 7 एंड डाउन बोथ द 7s विल बी कैंसल्ड. 7 और 7 कैंसल होना इसका मतलब होता है कि 7 और 7 एक दूसरे से डिवाइड होता है. एक्चुअली 7 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू 7, ये जो अपॉन का मतलब डिविशन होता है, अपॉन मतलब डिविशन. तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इसको. 7 के टेबल में 7 आता है, 7 के टेबल में 7 वन टाइम्स और यहाँ पर भी वन टाइम्स. इस तरह 7 और 7 कैंसिल होकर यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1 होता है और ये 1 और ये 9 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है. तो 1 इंटू 9 9, 1 9 ज़ा 9 और इधर भी 1 है. 1 इंटू 7 1 7 ज़ा 7, इस तरह हमें मिलते हैं 9 अपॉन 7. पर ये सभी इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 7 7 के आंसर, बाकी बचा 9 और 7, 9 अपॉन 7. एंड इफ इट इज़ रिटन इन द रेशियो फॉर्म, इस तरह लिखोगे तो इट विल बिकम 9 इज़ टू 7. सम नंबर थर्ड,
52 का रेशियो 65 के साथ, रेशियो ऑफ 52 to 65 इक्वल 52:65, देन रिटन इन द अपॉन फॉर्म 52/65, और उसके बाद हमें इसको फैक्टराइज करना है. सो लेट अस डू द फैक्टराइजेशन. 52 टू के टेबल में जाता है, बराबर. टू के टेबल में 5 कब तक जाता है? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ज़्यादा हो जाता है. 2 2s are 4, और उसके बाद 1 और बचा. 2 3s are 6 तक नहीं है हमारे पास, वी हैव ओनली टिल 5, हमारे पास सिर्फ 5 तक ही है. तो 2 1s are 2, 2 इसमें आएगा, 2 2s are 4 भी इसमें से जाएगा. तो 2 2s are 4 इसमें से गया, तो 5 में क्या बचेगा फिर? 1. 2 2s are 4 हमने लिया समझो, तो बाकी इसमें 1 बचेगा. तो अभी 5 के प्लेस में 1 है, 5 के प्लेस अगर 1 है और बाजू में 2 है, तो आप इमेजिन करो क्या नंबर होगा. यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 1 2 12, बराबर. तो 12 आने तक अभी वापस 2 के टेबल गिनना है. 2 1s are 2, 2 2s are 4, इस तरह जाओगे तो 2 6s are 12. आगे फिर से हमें फैक्टराइज करना है, 6 से लास्ट डिजिट, तो 2 के टेबल में आएगा 2 यहाँ पे. ओके, पहला नंबर 2 है, 2 1s are 2, कंप्लीट हो गया, कुछ बाकी बचा नहीं वहाँ पर. अभी 6, 2 3s are 6, वहाँ पर भी कंप्लीट हुआ. अगेन नाउ 13 वी गॉट, एंड 13 इज़ अ प्राइम नंबर. 13 प्राइम नंबर है क्योंकि वो किसी के टेबल में नहीं जाता सिवाय खुद के. 13 1s are 13 के अलावा कोई भी और टेबल नहीं है इसका, तो हमें प्राइम नंबर को उसी नंबर से करना है. 13 1s are 13, लास्ट में 1 आने तक करना था. तो 52 का कंप्लीट फैक्टराइजेशन यहाँ पर हुआ, और उसके बाद हमारा 65 है. 65 का भी करते हैं, 65 लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नहीं है, तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा. नेक्स्ट हमें चेक करना है 3, 6 और 5 को ऐड करना है 3 के टेबल के लिए चेक करने. 6, 5 ऐड करने पर 11 होता है, 11 3 के टेबल में नहीं जाता, तो 2 में नहीं, 3 में नहीं. नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर 5 होता है, तो 5 में आता है क्या, चेक करो. 5 लास्ट डिजिट 5 है, लास्ट डिजिट 0 नहीं तो 5, इन दोनों में से कोई रहेगा तो वो नंबर 5 के टेबल में जाता है, तो ये नंबर 5 में जाता. 5 1s are 5 यहाँ पर है, 5 2s are 10 तक होता है, जो हमारे पास नहीं है. द फर्स्ट डिजिट इज़ ओनली 6, तो 6 तक ही गिनेंगे, 6 से आगे गया तो हमें स्टॉप करेंगे. जिस तरह 5 1s are 5, 5 2s are 10 ज़्यादा हो गया 6 से, तो हमें ये नहीं लेना है. सो 5 1s are 5, 5 इसमें से गया, 5 1s are 5 निकालने के बाद 6 के पास बचा 1. आपको ये इमेजिनेशन होना ज़रूरी है, वरना आप कर नहीं पाएंगे. 5 1s are 5 इसमें से गया, तो यहाँ पे 1 बचा 6 में से, 1 और बाजू में 5, 1 5, 15 होता है. तो 5 के टेबल में 15 तक काउंट करो. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15. नाउ 13 एक प्राइम नंबर है, तो हमें 13 1s are 13 करना है. ओके, आपको ये अगर पहले पहले हार्ड लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस होने पे इतना ईजी है कि आपको बहुत ही जस्ट लाइक अ प्ले, आपको मज़ा आएगा. तो हमने 52 को भी फैक्टराइज किया, 65 को भी फैक्टराइज किया. अब दोनों में क्या कॉमन आया, जो फैक्टर्स है इनके, फैक्टर्स में क्या कॉमन है? 2 इधर है, यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर नहीं है, पर 13 दोनों जगह में है. तो 13 इज़ द कॉमन फैक्टर. दोनों में क्या आया कॉमन? 13 आया. तो मैं 52 के लिए 13 इंटू बाकी दोनों 2 2s are 4, 13 into 4, अपॉन 65 के जगह में 13 into 5, कॉमन जो है वो पहले ले लिया 13, बाकी उसमें क्या और फैक्टर्स है? 5, 13 5s नीचे लिखा, और ये दोनों बाहर जो है कॉमन नहीं है, उसको इंटू करके लेना है एक साथ, 2 2s are 4 और 13 13 into 4 ऊपर. अब दोनों में क्या हो गया, 13 13 कैंसिल हो जाता है, 13 13 कैंसिल. ओके, यू कैन कट ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इट इज़. और आया 4 upon 5, और इज़ टू के फॉर्म में लिखा तो 4 इज़ टू 5. इज़ इट क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. फोर्थ सम 84:60, रेशियो ऑफ 84:60 इज़ इक्वल टू 84:60, देन इन द अपॉन फॉर्म 84/60. अब इसको फैक्टराइज करना है, सेम कौन से टेबल में मैक्सिमम जाएगा देखने के लिए. सो 64 का फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पर कर रही हूँ, सॉरी 64 नहीं, 84 का फैक्टराइजेशन. 84 2 के टेबल में, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है ना, तो 2 के टेबल में आएगा. 2 के टेबल में 2 4s are 8 कंप्लीट हुआ,
और उसके बाद टू टू ज़ा फोर, दैट ऑल्सो कम्प्लीटेड. नाउ अगेन टू, टू के टेबल में फोर कभी आता है, टू टू ज़ा फोर, और टू भी आएगा टू वन ज़ा टू. अभी लास्ट डिजिट वन है तो टू के टेबल में नहीं आएगा. टू के टेबल में नहीं आएगा तो थ्री चेक करो, ट्वेंटी वन, यस थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन होता है. तो थ्री हियर, थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, एंड सेवन सेवन इज़ अ प्राइम नंबर, सो डायरेक्टली सेवन वन ज़ा सेवन. नाउ फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्सटी, सिक्सटी भी जाएगा टू के टेबल में क्योंकि लास्ट डिजिट ज़ीरो है. टू थ्री ज़ा सिक्स, कुछ नहीं बचा. और अब ये टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो को ऐसे छोड़ नहीं देना. टू थ्री ज़ा सिक्स हो गया, अभी ज़ीरो के लिए भी टू का टेबल काउंट करना है. टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, नाउ अगेन टू क्योंकि लास्ट डिजिट ज़ीरो है. टू वन ज़ा टू इसमें से गया, तो थ्री में से टू वन ज़ा टू जाने के बाद वन बचा. जस्ट एज्यूम वन यहाँ पर है और यहाँ पर ज़ीरो है, तो इट बिकम्स टेन. टू फाइव ज़ा टेन. नाउ लास्ट डिजिट इज़ फाइव, सो इट वॉन्ट गो टू द टेबल ऑफ टू, टू के टेबल में नहीं जाएगा. तो हमें डिजिट को देखो, ऐड करो, या फिर डायरेक्ट देखो कि थ्री के टेबल में जाता है क्या. यस, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, और फाइव इज़ अ प्राइम नंबर, डायरेक्टली फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव वन ज़ा फाइव तक हो गया. अभी फैक्टराइजेशन कम्प्लीट हुआ, अभी इन दोनों में क्या कॉमन है वो आपको चेक करना है. तो ये टू है, इधर भी टू है, तो टू कॉमन. यहाँ पे टू, फिर से इधर और एक टू, यानी डबल टाइम टू कॉमन. थ्री इधर भी है, इधर भी है, दैट ऑल्सो इज कॉमन. सेवन इधर है, यहाँ पर नहीं है. फाइव इधर है, यहाँ नहीं है. सो कॉमन जितना था हमने मार्किंग किया. कॉमन वाले को इंडो करो, टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व. यहाँ पर भी टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व. तो ये ट्वेल्व हुआ, और उसके अलावा क्या है, सेवन. ट्वेल्व सेवन ज़ा एटी फोर. देखो एटी फोर अपॉन सिक्सटीन के बदले ट्वेल्व सेवन ज़ा, अपॉन सिक्सटी के बदले क्या करेंगे, ये ट्वेल्व फाइव ज़ा, ट्वेल्व फाइव ज़ा. ट्वेल्व और ट्वेल्व कैंसल्ड, बचा सेवन अपॉन फाइव, विच इज इक्वल टू सेवन इज टू फाइव. सम नंबर फाइव, थर्टी फाइव सिक्सटी फाइव, थर्टी फाइव एंड सिक्सटी फाइव. रेशियो थर्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव, थर्टी फाइव इज टू सिक्सटी फाइव, विच इज इक्वल टू थर्टी फाइव अपॉन सिक्सटी फाइव. नाउ फैक्टराइज, थर्टी फाइव टू में नहीं जाता है, ये नंबर थ्री में भी नहीं जाता है, बट फाइव में जाता है. तो फाइव सेवन, सर थ्री छोटा है तो फाइव एक बार भी थ्री में नहीं आएगा. इसके लिए हमने दो डिजिट को एक साथ लिया, थर्टी फाइव टुगेदर. सो फाइव सेवन सर थर्टी फाइव, सेवन वन सर सेवन. नेक्स्ट नंबर है सिक्सटी फाइव, उसको भी देखोगे तो टू में थ्री में नहीं जाता, डायरेक्ट फाइव पे. फाइव वन ज़ा फाइव, वन बचा, ये वन और इधर का फाइव फिफ्टीन, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, और थर्टीन वन ज़ा थर्टीन. दोनों में कॉमन हुआ फाइव, तो थर्टी फाइव के लिए हम लिखेंगे फाइव सेवन ज़ा, और सिक्सटी फाइव के लिए हम लिखेंगे फाइव इंटू थर्टीन. कॉमन पहले लिखते हैं और अनकॉमन जो है वो बाद में. फाइव और फाइव कैंसल्ड, सेवन अपॉन थर्टीन, विच इज इक्वल टू सेवन इज टू थर्टीन. सिक्स सम 121 एंड 99, रेशियो 121 टू 99. आप दोनों नंबर को एक बार देखोगे ना तो दोनों किस टेबल में आता है जल्दी पता चलेगा, क्योंकि 99 थ्री में वगैरह आता है, थ्री में नाइन में इलेवन में भी आता है, तो शायद ये भी इलेवन में आ सकता है. तो आपको पहले 121 का फैक्टराइज करना है. 121 टू के टेबल में नहीं जाता क्योंकि लास्ट डिजिट वन है. थ्री के टेबल में जाते नहीं है क्योंकि टू प्लस वन प्लस वन फोर होता है, और थ्री में फोर नहीं जाता. और उसके बाद फाइव है, लास्ट डिजिट वन होने की वजह से फाइव के टेबल में भी नहीं जाएगा. सेवन में जाता है क्या, चेक करने के लिए टेबल ही देखना पड़ेगा. पहला नंबर वन, वो सेवन से छोटा है तो ट्वेल्व लिया. सेवन वन सा सेवन, सेवन टू सा फोर्टीन होता है, तो ट्वेल्व तक कि हम कंटिन्यू काउंट कर सकते हैं. तो सेवन वन सा सेवन, सेवन इसमें से जाने के बाद बाकी बचता है फाइव. तो यहाँ पे फाइव और ये वन, फिफ्टी वन, और सेवन के टेबल में फिफ्टी वन नहीं जाता. देखो मैंने सेवन का कैसा चेक किया, कोई ट्रिक हमारे पास नहीं है जैसे टू और थ्री का वगैरह है. तो सेवन का चेक करने के लिए सेवन वन सा सेवन, पहला नंबर को लिया वन, छोटा है सेवन से तो और एक नंबर लिया ट्वेल्व. सेवन वन सा सेवन चला गया ट्वेल्व में से, तो बाकी बचेगा फाइव. तो ये 12 के जगह सिर्फ 5 है, तो ये नंबर बनेगा 51, और 7 के टेबल में 51 नहीं आता, मतलब कम्प्लीट डिवाइड नहीं हो पाएगा. तो 7 में भी नहीं है. 7 के आगे हमें होता है 11. 11 का भी इसी तरह देखते हैं, पहला नंबर तो 1 है, छोटा है, और एक नंबर लिया 12, तो 11 वन ज़ा 11, 11 इसमें से गया तो 1 बचा,
वो वन यहाँ पर है 12 के बदले और बाजू में वन, वन और वन बाजू बाजू में 11, तो 11 के टेबल में 11 जाता है। वापस से 11 का चेकिंग कैसा किया, पहला नंबर लिया छोटा है 11 से, तो और एक नंबर लिया 12, 11 वन सा 11 12 में से निकल गया तो 1 बचा, ये पूरे 12 के जगह अभी 1 बचा है, तो बाजू वाला 1 भी साथ में डालोगे तो 11 हो गया। फिर से इधर एक 1 और इधर एक 1 और 11 के टेबल में फिर से 11 वन सा जाता है, तो ये 121 11 में जाएगा, तो 11 11 वन सा 11 इसमें से गया 12 में से, तो 1 बचा, यहाँ पे 1 है वो 1 और बाजू का 1 11, वापस से 11 वन सा 11 वन ज़ा 11, 11 एक प्राइम नंबर है ना इसीलिए, तो 121 का फैक्टराइज हमने इस तरह किया। नाउ नेक्स्ट नंबर है 99 और ये तो आप जानते हैं कि किस में जाएगा, 11 में जाएगा, 3 में जाएगा। चलो छोटे से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द प्रॉपर ऑर्डर। 3 3 3 ज़ा 9, ख़त्म हो गया 9, वापस से 3 3 ज़ा 9, अब फिर से ये 3 में जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 3 1 ज़ा 3 और 11 1 ज़ा 11, और दोनों में हमें कॉमन क्या मिला, 11 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 11 है, 11 और एक 11 यहाँ पर नहीं है, 3 नहीं है, तो इतना ही कॉमन है सिर्फ 11। तो ये 121 के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, कॉमन वाला 11 और ये कॉमन जो अनकॉमन है 11 इंटू 11, और 99 के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉमन वाला 11 और बाकी दोनों को इंटू करना है, 3 3 9, 11 9, दिस 11 एंड दिस 11 कैंसल्ड, बाकी बचा 11 अपॉन 9 and in the ratio form 11:9। ये जो सेक्शन हमें अभी देखा था, हमने फर्स्ट नंबर का सेकेंड नंबर के साथ का रेशियो, वो पूरे 6 sums थे, तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वान्टिटी टू द सेकेंड, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ यूनिट्स भी साथ में दिया हुआ है, तो मैंने ये जो वीडियो है उसके स्टार्टिंग में जो यूनिट्स दिए थे, जैसे कि 1 meter सिकल टू 100 centimeter, 1 kilometer सिकल टू 1000 meter वगैरह वगैरह जो दिए थे, वो आपको थरोली रिवाइज करना होगा ताकि हम नेक्स्ट सम्स करें। ओके, सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट सम्स।